सीतापुर के पुलिस विभाग में एक बार फिर पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। एसपी चक्रेश मिश्र द्वारा किए गए तबादलों के क्रम में किस पुलिस कर्मी को कहां भेजा गया और कुल कितने पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि तबादलों के क्रम लगातार जारी है, एसपी चक्रेश मिश्र लगातार तबादले कर रहे हैं पुलिस कर्मियों के, इस बार जो सूची आई है उसमें कुल कितने पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं और किसे कहां भेजा गया है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के द्वारा आपने सही कहा कि तबादले लगातार इधर जारी हैं और आज जो है कुल 12 मुख्य आरक्षी और आरक्षी के जो है तबादले किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस शिव पूजन, ये पुलिस लाइन में थे, इन्हें यातायात भेजा है। मुख्य आरक्षी मुन्नीलाल, ये थाना बिस्वा में थे, इन्हें यातायात भेजा है। मुख्य आरक्षी रुस्तम कुमार प्रजापति, इन्हें पुलिस लाइन से यातायात भेजा गया है। आरक्षी अंकित तंवर, ये यूपी 112 में थे, इन्हें यातायात भेजा गया है। आरक्षी राहुल पवार, ये भी यूपी 112 में थे, इन्हें भी यातायात भेजा गया है। आरक्षी अनुज कुमार, ये यूपी 112 में थे, इन्हें यातायात भेजा गया है। आरक्षी सशस्त्र पुलिस जो कृपा शंकर प्रजापति, ये पुलिस लाइन में थे, इन्हें यातायात भेज दिया गया है। आरक्षी विनीत कुमार, ये यूपी 112 में थे, इन्हें यातायात भेजा गया है। आरक्षी सशस्त्र पुलिस हर्षित कुमार जो है उन्हें पुलिस लाइन में थे, ये यातायात भेजे गए हैं। आरक्षी रविकांत को भी थाना हरथान गाँव से यातायात भेजा गया है। आरक्षी अजीत कुमार थाना खैराबाद से यातायात। आरक्षी सशस्त्र पुलिस पवन कश्यप, ये पुलिस लाइन से यातायात भेजे गए हैं। तो कुल 12 आरक्षी और मुख्य आरक्षियों को जो है यातायात भेजा गया है, मतलब पुलिस लाइन से और कुछ थाने से जो है और कुछ यूपी डायल 112 में जो सभी आरक्षी और मुख्य आरक्षी तैनात थे, इन्हें जो है सीधे यातायात भेज दिया गया। प्रिंस जी, जी बिल्कुल। तो एसपी चक्रेश मिश्र द्वारा 12 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें आपको बता दें कि 3 मुख्य आरक्षी और 9 आरक्षियों के तबादले किए गए और सभी को यातायात भेजा गया है। तो यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये तबादले किए गए हैं, 12 पुलिस कर्मियों को यातायात भेजा गया है। और आपको बता दें कि इनमें से यूपी 112 में तैनात 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात 4 पुलिसकर्मी, इन्हें भी 5 पुलिसकर्मी, माफ कीजिएगा, 5 पुलिसकर्मियों को भी यातायात भेजा गया है। साथ ही जो अन्य हैं उन्हें थाने से यातायात की कमान सौंपी गई है। तो स्पष्ट संदेश है एसपी चक्रेश मिश्र का कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, किस तरह से हम आम जनता को सुलभ यातायात प्रदान कर सके, इस पर खास तरह से फोकस है। तो कुल 12 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं सीतापुर में और सभी को यातायात भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए निशांत जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।